सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोरोहित यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा सैमसंग गैलेक्सी M33 के बारे में। तो सैमसंग गैलेक्सी M33 के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग लीक्स यहां पर निकल के सामने आ चुका है और सैमसंग गैलेक्सी M33 को Geekbench सर्टिफिकेशन साइट में भी देखा गया। और ये जो स्मार्टफोन है ये आप लोगों को ऑलमोस्ट फेब के एंड तक देखने को मिलेगा, क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी M33 में सैमसंग हमें काफ़ी अच्छा पावरफुल प्रोसेसर यहाँ पर देने वाला है। अगर हम लोग 2021 को देखें तो सैमसंग ने 2021 में अपने सैमसंग के स्मार्टफोन में ज़्यादातर या तो मीडियाटेक का चिपसेट इस्तेमाल किया या फिर क्वालकॉम के चिपसेट इस्तेमाल किया, चाहे वो सैमसंग के मिड प्रीमियम सेगमेंट के हो या फिर बजट स्मार्टफोन में हो। मतलब एक्जिनोस का प्रोसेसर आप लोग को कुछ ही एक स्मार्टफोन में देखने को मिला। मुझे याद है सैमसंग गैलेक्सी A12 में हमें एक्जिनोस का प्रोसेसर देखने को मिला, और ऐसा कोई स्मार्टफोन नहीं है जिसमें आप लोगों को एक्जिनोस का प्रोसेसर देखने को मिला। ज़्यादातर स्मार्टफोन 2021 में जो सैमसंग ने लॉन्च किया यहाँ पर आप लोगों को क्वालकॉम या फिर मीडियाटेक का SoC देखने को मिला, लेकिन 2022 में ऐसा नहीं होने वाला है। 2022 में आप लोगों को सैमसंग के स्मार्टफोन में ज़्यादातर एक्जिनोस के प्रोसेसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। सैमसंग गैलेक्सी M33 को Geekbench सर्टिफिकेशन साइट में देखा गया और इस स्मार्टफोन में बताया जा रहा है कि आप लोगों को मिलेगा एक्जिनोस का 1200। ये सेम वही SoC है जो आप लोगों को A53 में देखने को मिलने वाला है, यानी कि जो सैमसंग बजट कैटेगरी में आप लोगों को काफ़ी अच्छा पावरफुल प्रोसेसर यहाँ पर देने वाला है। M32 की प्राइसिंग की बात करें तो आप लोगों को 15,000 रुपीस में वो स्मार्टफोन मिल जाता है, और M33 जो आएगा ये भी लगभग इसी प्राइस सेगमेंट में आने वाला है। और उस प्राइस को देखते हुए 15-16-17,000 में एक्जिनोस का 1200 SoC मेरे ख्याल से काफ़ी मार्केट किलर ये स्मार्टफोन होने वाला है, क्योंकि एक्जिनोस के 1200 प्रोसेसर में आप लोगों को AMD का GPU यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। बताया जा रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी A33 और सैमसंग गैलेक्सी M33 आप लोगों को सेम ही मिलेगा, ज़्यादा डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा। जो फीचर्स होंगे वो सभी आप लोगों को सेम मिलेगा, लेकिन A33 में आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलेगा, जबकि M33 में आप लोगों को साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट का सेंसर यहाँ पर मिलने वाला है, और बाकी कुछ चीज़ों में आप लोगों को डिफरेंट मिलेगा। ज़्यादातर मतलब 90% स्मार्टफोन सेम रहेगा A33 और M33। तो ये एक काफ़ी अच्छा न्यूज़ है सैमसंग लवर्स के लिए जो सैमसंग के स्मार्टफोन्स का वेट करते हैं। तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा SoC और प्रोसेसर मिलने वाला है M33 में, और 2022 में आप लोग उम्मीद लगा सकते हैं कि आपको सैमसंग के स्मार्टफोन में एक्जिनोस के हमें नए प्रोसेसर देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छे प्रोसेसर को सैमसंग लॉन्च करे और लोगों को भी ये सारे चीज़ें यहाँ पर पसंद आए। सिर्फ प्रोसेसर ऐसा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि क्वालिटी प्रोसेसर यहाँ पर देना होगा। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो जो भी आपका क्वेश्चंस होगा आप लोग जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए। आपके जो भी सवाल है आप मुझसे वहाँ भी पूछिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। तो प्लीज़ जाके वहाँ पर मुझसे अपना क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाए और उनको भी पता चल जाए कि भाई सैमसंग ऐसा काम यहाँ पर करने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।